अच्छा बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहावलपुर सरकरा रोड पे। ईद की आमद आमद है जिसकी वजह से ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरा कैमरामैन आकर दिखा सके तो ट्रैफिक देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रैफिक वार्डन नज़र नहीं आ रहा और लाइन से बिल्कुल गाड़ियाँ बाहर आ चुकी हैं और ये देख रहे हैं कि ये बिल्कुल खिलाफ वर्जी है जिसकी वजह से ये ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ चुका है यहाँ पर। और जो ड्राइवर हजरात है अपनी फैमिली को अंदर लेके चले गए हैं और यहाँ पर कोई पुलिस वाला एहलकार नज़र नहीं आ रहा जो ट्रैफिक एहलकार इसको ट्रैफिक को दबाव को कम कर सके। मैं एक बार फिर आपको बताता चलूँ कि बहावलपुर की सरकर रोड पे यहाँ पर ट्रैफिक जाम होने का मसला ही यही है कि ये जो ट्रैफिक गाड़ियाँ जो है गलत तरीके से पार्क की कर दी गई हैं। आ सकते हैं मेरे कैमरामैन आपको दिखाए तो ये देख रहे हैं कि आगे तक ये मामला चल रहे हैं, येलो लाइन से भी आगे आगे आ चुके हैं हमारे पास। ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ट्रैफिक एहलकार मौजूद हैं जिनको हम इशारा कर रहे हैं, आएँ ज़रा दिखाते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो आप देख रहे हैं सर, एक्सक्यूज़ मी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर ट्रैफिक का दबाव बढ़ चुका है और ये देख रहे हैं कि लाइन से बिल्कुल बाहर है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये सर रोड खराब पड़ी थी जी, ये गाड़ी खराब हुई पड़ी है उस वजह से हो रहा है कि सारे लाइन से बाहर हैं, लेकिन है रश, लेकिन थोड़ा बहुत रश भी है, रश भी है। ठीक ठहरी हुई गाड़ियाँ नहीं, कुछ हैं, कुछ ठीक हैं, कुछ गलत है। कितनी ट्रैफिक जाम है, हम 15 मिनट से पीछे ठहरे हुए हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट का भी इजाफा है। निकालते हैं सर जी बिल्कुल, यहाँ पे ट्रैफिक के जो इंचार्ज है वो कहते हैं कि हम इनको अभी ठीक करवाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि लाइन से बिल्कुल बाहर आ चुकी हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक का दबाव इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आम एम्बुलेंस जो है बिल्कुल BVH हॉस्पिटल साथ में BVH के साथ ही जो ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। आप देख रहे हैं कि ये प्लाजा भी है और ये तमाम लोग गाड़ी को जो है बिल्कुल गलत तरीके से पार्क करके चले गए, ये गाड़ी कहते हैं ख़राब हो गई, लेकिन बाकी गाड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल अपनी सही जगह पर नहीं ठहरी हुई जिसकी वजह से एक्सीडेंट का इजाफा बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है जी।